हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं हाउस प्लान्स आर्किटेक्चरल डिज़ाइन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे 43 फीट बाय 24 फीट का बंगलो प्लान जो है वेस्ट फेसिंग। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर दो स्टेप दिया है, दो स्टेप के बाद यहाँ पर 5 फीट का वरांडा दिया है, 5 फीट बाय 7 फीट का। वहाँ से एंट्री करेंगे हम तो लिविंग में आते हैं। लिविंग का जो साइज़ दिया है वो 11 फीट 7 इंच बाय 16 फीट का है। और यहाँ पर सोफा सेट का अरेंजमेंट किया है यहाँ पर। और यहाँ पर एक जो टेबल है यहाँ पर आप शोकेस के लिए कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर आपका भी दूसरा टेबल आएगा, इसको टीपॉय भी बोलते हैं। और ये जो है टेवी नीट, यहाँ पर आपका टेवी नीट और टेवी कबर्ड भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से ओपनिंग से सीधा अंदर जाएंगे तो डाइनिंग में आते हैं। डाइनिंग में हमने डाइनिंग के साइड में हमने एक स्टोरेज दिया है, जो किचन का जो मटेरियल रहेगा वो हम वहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। और उसके साइड में हमने वॉश बेसिन दिया है, जो कि जो अपना टॉयलेट है वहाँ से थोड़ा सा वो दूर है, इसलिए इसको यहाँ पर दिया है। इसके बाद किचन जो है, किचन का जो साइज़ है 8 फीट 3 इंच बाय 17 फीट 2 इंच है। मतलब ऐसा 17 फीट है और ऐसा 8 फीट 3 इंच है। तो ये है किचन प्लेटफॉर्म। इसका जो ओपनिंग दिया है वो 7 फीट का विंडो दिया है, जिससे किचन में ज़्यादा वेंटिलेशन आ जाए। डाइनिंग में भी हमने 5 फीट का एक विंडो दिया है यहाँ पर। और ये जो दिख रहा है ये है कबर्ड, किचन का पॉट्स वगैरह रखने के लिए यहाँ पर हम कबर्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लॉबी से सीधा यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ से इसके पहले एक छोटा सा रूम दिया है, इसको स्टोरेज भी बना सकते हैं। मतलब घर का कोई भी रॉ मटेरियल अनयूज्ड रहेगा तो इसमें हम रख सकते हैं, जो कि इसका साइज है 7 फीट 4 इंच बाय 6 फीट 5 इंच है। और इसको सर्वेंट, मतलब आपके घर में सर्वेंट रहेगा तो इसको सर्वेंट रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको सीधा लॉबी से हम आगे जाएंगे तो बेडरूम में जाते हैं। पहले बेडरूम का जो साइज़ है वो है ऐसा 9 फीट 6 इंच और ऐसा जो है 11 फीट 6 इंच। और यहाँ पर बेडरूम बेड में हमने बेड की अरेंजमेंट यहाँ पर की है। इसके साइज़ में छोटा सा टेबल यहाँ पर दिया है। और यहाँ पर ये जो है कबर्ड किया है यहाँ पर ऐसा। और यहाँ से सीधा फिर दूसरे बेडरूम में जाते हैं हम। तो दूसरे बेडरूम का जो साइज़ है वो है 10 फीट 3 इंच ऐसा है। और ऐसा जो है वो है 12 फीट है। और इसमें हमने एक कंसिस्ट किया है टॉयलेट, जो जिसका साइज़ है 6 फीट बाय 4 फीट ऐसा साइज़ है। इसको यहाँ पर साइड में जो है कवर्ड स्पेस दिया है, इसको हम यहाँ पर पार्किंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो दिया है स्टेयरकेस अंदर से, तो यहाँ से स्टेयरकेस से यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं। यहाँ से हम ऊपर आए यहाँ पर तो फैमिली हॉल में आते हैं, जो कि लिविंग करके है, कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर
जो फैमिली हॉल है उसका जो साइज है 12 फीट 5 इंच बाय 17 फीट 2 इंच है, जो कि बड़ा साइज है। वहाँ पर हमने एक वॉश बेसिन भी दिया है, जो मतलब पार्टी वगैरह कर रहे तभी हम ये इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके सामने ठीक एक छोटा सा विंडो दिया है और बालकनी में ओपनिंग है इसका। यहाँ पर कबर्ड है और उसके साइज में दो विंडो दिया है 5 फीट का, एक यहाँ पर है 5 फीट का, एक यहाँ पर है 5 फीट का। और ये जो है इसके नीचे लिविंग है यहाँ का अपना, तो ये खुला टेरेस रहेगा। यहाँ पर जो नीचे जो हमने स्टोरेज किया था रूम, यहाँ पर उसका थोड़ा सा साइज बड़ा हुआ है, क्योंकि ये जो कवर स्पेस है वो हमने यहाँ इस बेडरूम में ऐड किया है, तो इसका ये बेडरूम थोड़ा सा वो साइड में शिफ्ट हुआ है और इसका साइज बड़ा है। तो इसका नीचे था, इसका जो साइज नीचे था वो 7 फीट 4 इंच बाय 6 फीट 5 इंच था, और ऊपर जो है 7 फीट 4 इंच × 10 फीट 10 इंच, ऐसा इसका साइज है। और इसको हमने एक विंडो भी दिया है ओपनिंग 4 फीट का वेंटिलेशन के लिए इसके, तो इसको हम कॉमन बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट बेड भी, इसको गेस्ट बेड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने स्टेयरकेस से जो ऊपर आएंगे तो लेफ्ट साइड में जो है दो मास्टर बेडरूम किया है। यहाँ से पहले मास्टर बेडरूम में चलते हैं, तो यहाँ पर इसका जो साइज़ है 9 फीट 6 इंच बाय 10 फीट 7 इंच, ऐसा विंडो है। और यहाँ पर थोड़ी सी जगह बचती है, तो यहाँ पर हम कुछ तो अलग कर सकते हैं, मतलब कबर्ड भी कर सकते हैं या दूसरा कुछ भी। यहाँ पर हम कंप्यूटर वगैरह रख सकते हैं, पीसी वगैरह आपका रख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर बेडरूम में हमने ये अरेंजमेंट किया है बेड का, और यहाँ पर एक छोटा सा टेबल रखा हुआ है। टॉयलेट का जो साइज़ है उसका 6 फीट बाय 4 फीट है, जिसमें टॉयलेट और बाथ कॉमन है। सेम उसके साइड में भी वैसा ही किया है। और उसके जो बेडरूम का जो साइज़ है यहाँ का 10 फीट 3 इंच बाय 12 फीट है, ये 9 इंच गलती से हुआ है यहाँ पर, 9 फीट गलती से हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर भी सेम बेड का अरेंजमेंट किया है, और यहाँ पर छोटा सा टेबल दिया है जो कि हम टेलीफोन या लैंप वगैरह रख सकते हैं इस पे। इसके बाद सेम टॉयलेट का साइज़ है, और बाथ और टॉयलेट कॉमन है यहाँ पर। और इसके ठीक बेडरूम के ऊपर हमने वेंटिलेशन के लिए 5 फीट का विंडो दिया है यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी दिया है। और यहाँ से इसका इसको बालकनी बाहर से है, तो यहाँ से इसका डोर ओपनिंग है और बालकनी है जो 3 फीट का बालकनी है, और ऐसा है जो है 12 फीट का। तो यहाँ पर काफ़ी वेंटिलेशन भी रहेगा और बाहर मतलब बालकनी का स्पेस भी इस बेडरूम को मिलता है। तो यहाँ से फिर मतलब यहाँ से जाएंगे तो ऊपर टेरेस है, टेरेस तो पूरा मतलब क्लोज ही रहेगा, फ्लैट रहेगा। इस तरह से ये प्लान था। तो आपके प्लॉट का साइज़ 44 फीट बाय 24 फीट रहेगा, तो ये प्लान आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इतना था इस वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।